हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार देर रात 46 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। 5 नए चेहरों सहित 3 महिलाओं पर कांग्रेस ने इस बार दाव खेला है। 22 सीटों पर अभी भी पेच फंसा है। इनकी सूची बुधवार को जारी होने के आसार हैं। कांग्रेस ने पहले प्रत्याशी घोषित करने में भाजपा से इस बार बाजी मार ली है। 50 साल से कम आयु के 15 प्रत्याशियों को पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं वर्तमान 19 विधायकों को पार्टी ने दोबारा प्रत्याशी बनाया है। पूर्व मंत्रियों में कौल सिंह ठाकुर, सुधीर शर्मा, प्रकाश चौधरी और चंद्र कुमार चौधरी को फिर से मौका दिया गया है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए कांगड़ा के विधायक पवन काजल और नालागढ़ के विधायक लखविंद्र राणा की सीट पर अभी प्रत्याशी तय नहीं किए गए हैं। परिवारवाद के आरोपों से घिरने के बावजूद कांग्रेस ने ऐसे जिताऊ प्रत्याशियों पर ही दाव खेला है जो स्थापित नेताओं की संतान है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को उपचुनाव में 1 संसदीय सीट सहित 3 विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज करने का तोहफा देते हुए हाईकमान ने पूर्व मंत्री विद्या स्टोकस के ठियोग क्षेत्र से उन्हें प्रत्याशी बनाया है। वहीं बंजार से खीमी राम को टिकट देने पर आदित्य विक्रम सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। आदित्य विक्रम सिंह स्वर्गीय पूर्व मंत्री कर्ण सिंह के बेटे हैं। इससे कांग्रेस को एक और झटका लगा है। चर्चा है कि आदित्य विक्रम सिंह आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। पार्टी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि अब वह कांग्रेस में नहीं रहना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशी 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भर सकेंगे। हालांकि पहले दिन सोमवार को किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं भरा। माना जा रहा है कि 21 अक्टूबर को अधिकांश प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र भरने की तैयारी में है। कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची का इंतजार किया जा रहा है। नामांकनों की छटनी 27 अक्टूबर को होगी। 23 और 24 अक्टूबर को अवकाश के कारण नामांकन नहीं भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर रहेगी। मतदान की तारीख 12 नवंबर है, जबकि मतगणना 8 दिसंबर को होगी। वहीं चुनाव प्रक्रिया 10 दिसंबर को पूरी होगी। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर 20 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वहीं कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा 21 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार 55,07,261 मतदाता वोट डालेंगे। निर्वाचन आयोग ने फोटोयुक्त मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 18 से 19 साल के 69,781 मतदाता वोट डालेंगे, यानी ये नए वोटर होंगे। इनकी प्रतिशतता 46 से बढ़कर अब 75% हो गई है। मतदाताओं का लिंग अनुपात 978 से बढ़कर 981 हो गया है। वोटरों में 27,80,208 पुरुष, 27,27,016 महिला और 37 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। वहीं दिव्यांग मतदाताओं की भी संख्या बढ़कर 56,001 हो गई है। इनमें 1,470 की वृद्धि हुई है। बहरहाल देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठता है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।